नमस्कार न्यूज 18 महानगर को स्वागत करुच मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा निर्वाचन संपर्कित खबर रो पिपिली रे फ्लाइंग स्क्वाड को आक्रमण मामला एप्रिल 27 को घुंचिला प्रदीप महारथी को जमीन सुनानी रिपोर्ट देबाकु तदंतकारी अधिकारी समय मागिबारु सुनानी को घुंचाई छेंदी कोर्ट निर्वाचन ड्यूटी थिबारु केस डायरी एवं इंजुरी रिपोर्ट देई परि नहंती तदंतकारी अधिकारी सेबडे महारथी को स्वास्थ्य अवस्था नै रिपोर्ट मागि छेंदी कोर्ट झारपडा जेल अधीक्षक को रिपोर्ट मागि छेंदी भुवनेश्वर जिला दोरा जज कोर्ट फ्लाइंग स्क्वाड को आक्रमण करिवा अभियोग रे पिपिली विधायक प्रार्थी प्रदीप महारथी गिरफ होइछेंदी ताकु सीडी आउ इंजुरी रिपोर्टा कार्यवस्था इलेक्शन कार्यवस्था दर पठाई परलानी जहाँ फल से भी टाइम ने आकृत प्रदीप महारथपुर आडवोकेट टाइम ने गोटे टाइम दि जाऊ बोली सेटा रहिला हियरिंग पे 27/4/19 पे आ कोर्ट भी गोटे तार जो हेल्थ कंडीशन उपरे जो मागिचंती जेल सुपरिटेंडेंट को तार हेल्थ प्रेजेंट स्टेटस उपरे तार गोटे मागिचंती कटक लोकसभा निर्वाचन मंडली अधीन समस्त विधानसभा क्षेत्र ईवीएम एवं वीवीपैट को स्ट्रांग रूम रे सील करा जायछि। बारावटी कटक चौद्वार कटक एवं कटक सदर निर्वाचन सरिबा परे गतकाली विलंबित राति रे पुलिंग पार्टी भुवनानंद ओडिशा स्कूल अफ इंजीनियरिंग रे पहुंचिथिले। यापरे ईवीएम एवं वीवीपैट फेरस्त करिथिले। आज जिलापाल उपजिलापाल पर्यवेक्षक राजनैतिक दलर प्रार्थी एवं प्रतिनिधि उपस्थिति रे एहाको सील करी कड़ा सुरक्षा बलय मध्ये रखा जायछि। अनेपटे केन्द्रापड़ा लोकसभा निर्वाचन मंडली महांगा सालेपुर एवं जगतसिंहपुर नियाली पई कटक रु आसंता 27 तारीख रे पोलिंग पार्टी बूथ को जिबे बोली कहिसेंति जिलापाल। मतदान सरिबा परे एबे स्ट्रांग रूम रे ईवीएम कटक भुवनानंद ओडिशा स्कूल अफ इंजीनियरिंग परिसर रे कटक लोकसभा निर्वाचन मंडली अधीन तीनोटी विधानसभा क्षेत्र रो ईवीएम ओ वीवीपैट को स्ट्रांग रूम रे सील करी रखा जायछि। एई तीनोटी निर्वाचन मंडली हेउछि बारबाटी कटक चौद्वार कटक एवं कटक सदर। मंगलवार भोट सरिबा परे विलंबित राति रे पुलिंग पार्टी आसी कटक रे पहुंचिथिले। एहा परे बुधवार पूर्वाह्न रे जिलापाल उपजिलापाल पर्यवेक्षक राजनैतिक दलर प्रार्थी और प्रतिनिधि उपस्थित सील करी कड़ा सुरक्षा बलय मध्यरे रखा जाइथिला। पोल्ड ईवीएम सब रही आम विभिन्न स्ट्रांग रूम रखीचु जो आम बारबाटी चौद्वार आ सदर कन्स्टिट्युएन्सी जो ईवीएम रही बोस भितर रही आम आठगढ़ आ बड़म्बा रमर गोपबंधु साइंस कॉलेज आठगढ़ आउ बांकी बाकी ऑटोनॉमस कॉलेज रे ईवीएम सब रही सेंट्रल पुलिस फोर्स बीएसएफ से 24 आवर्स तक जगे राउंड द क्लॉक जगे जपर्त काउंटिंग बक्सा नाव नवार तेणु जो व्यवस्था कलेक्टर कर अरविंद अग्रवाल एवं ये जो श्री पाटिल आई अब्जर्वर से व्यक्तिगत सेपरि अन्य चारिटी क्षेत्र मध्यरु आठगढ़ और बड़म्बार ईवीएम आठगढ़ कॉलेज रे सील करी रखा जायछि। बांकी विधानसभा क्षेत्र बांकी स्वयंशासित महाविद्यालय अछि। कटक आठगढ़ और बांकी ईवीएम स्ट्रांग रूम रा सुरक्षा दायित्व उभय बीएसएफ एवं राज्य पुलिस को प्रदान करा जायछि। सेपटे चतुर्थ पर्याय रे हेबाकु थिबा केन्द्रापड़ा लोकसभा निर्वाचन मंडली महांगा सालेपुर एवं जगतसिंहपुर लोकसभा निर्वाचन मंडली नियाली पाई कटक रु आसंता 27 तारीख रे पुलिंग पार्टी बूथ को जिबे। हमर जो लास्ट फेज रहिछि फोर्थ फेज सालेपुर महांगा आ नियाली ए तीनटा कन्स्टिट्युएन्सी रो पोल्ड ईवीएम सब माने ए सॉरी तारा डिस्ट्रीब्यूशन रे इठी बोस भितरे हेबो ता पई मध्ये व्यवस्था करा जी 27 तारीख दिन पोलिंग पार्टीज विल गो फॉर दिस पोल। कटक लोकसभा आसन रे पाखापाखी 69% मतदान होईछि। एबे ईवीएम रे प्रार्थी भाग्य सील होता बेले अपेक्षा मे 23 रो फलाफल को कटक रु कैमरामैन दिवेंदु मिश्र अजय दास न्यूज 18 ओडिया। सेपरि भुवनेश्वर मध्य भुवनेश्वर उत्तर एकाम्र जयदेव एवं जटणी निर्वाचन मंडली समस्त बूथ रे ईवीएम एबे बीजेपी कॉलेज रो स्ट्रांग रूम रे सील होछि। त्रिस्तरीय सुरक्षा भितरे रहिछि स्ट्रांग रूम। सुरक्षा दायित्व रे बीएसएफ एवं राज्य पुलिस। प्रत्येक स्ट्रांग रूम रे लागिछि सीसीटीवी। 24 घंटा स्ट्रांग रूम को जगी रहिछन्ति पुलिस। भुवनेश्वर यूपीडी पई आमे 3 स्तरीय करिछु आ गोटे स्तर बढेइछु
कारण जगह बहुत प्रशस्त बड़ जगह तेणु आम पेरीफेरी गार्ड गोटे देचु आमर स्टेट पुलिस एंड तापर आम बिल्डिंग गार्ड गोटे दि जाइए ओडिशा स्पेशल आर्म पुलिस एवं स्ट्रांग रूम गार्ड बीएसएफ ये सब तीन सिफ्ट्रे 24/7 हिसाब से ही गार्ड रोचे पुलिस थ्री लेयर प्रोटेक्शन दि जाइए तापरठ आणसी सिल है लोक आ भर को एंट्री करेंगे ना मैंने आम कंट्रोल किसी रही ट्रेजेरी तार आम सिल ट्रेजेरी ट्रेजेरी अफिसर सिल रहीपर सब रूम को सीसी कैमेरा कनेक्ट कर पुरी जिलार लोकसभा एवं विधानसभा आसन प्रार्थी भाग्य एवं ईवीएम बंद रही पुरी सेंट्रल स्कूल परिसर में होता स्ट्रांग रूम रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था भितर रही ईवीएम आज प्रार्थी एजेंट सम्मुख में जिलापाल समस्त स्ट्रांग रूम को जौमुत सिल कर जिलापाल अनुमति नहीं कौन दल प्रार्थी स्ट्रांग रूम को जापर व्यवस्था रही तेज तृतीय पर्याय निर्वाचन में पुरी जिलार पुरी सदर पिपिली सत्यवादी और ब्रह्मगिरी विधानसभा गोटे और लोकसभा गोटेपर आठटी स्ट्रांग रूम कर तेरे आसंता 29 काकटपुर और निमापड़ा आसन भोट पर एप्रिल 27 स्ट्रांग रूम खोली ईवीएम और निर्वाचन सामग्री पोलिंग कर्मचारी दिज्व एनी उपजिलापाल अधिक आलोचना करिछन्ति तांको सहित आम पुरी प्रतिनिधि अक्षय मिश्र ईवीएम सिल है प्रार्थी भाग्य आउ ईवीएम वर्तमान स्ट्रांग रूम रे स्वतंत्र कड़ा सुरक्षा बल भितर समस्त ईवीएम गुड़ी स्ट्रांग रूम रखा जा तेबे मे 23 तारिख दिन जिते गणना करा समय ही स्ट्रांग रूम खोल और गणना करा तेबे किभली भाव में स्ट्रांग रूम ईवीएम गुड़ रखा जाने से नहीं अधिक जाना आम अच्छा उपजिलापाल सांगठू जानवा सर जो निर्वाचन सरला और काली आम देखे कि ईवीएम आसला आज कि ईवीएम आसो कि भाव आप सेंट्रल स्कूल परिसर स्ट्रांग रूम रखुंत आमर जो गत काली हूँ 4 एसेंब्ली कन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन मंडल रोच काली भोटदान होता पाख 1033 बूथ्र का भोटदान होता तेनाली जो सबूर पोलिंग पर्सनल मैंने का एनगेज थे भोटदान सरला आसिक जो रिसीविंग सेन्टर देने जेहेतु कृष्ण प्रसाद जो इंटेरियर पार्ट रही सेपटू आसवापी हूँ आम पार्लर देकर आसवापी हुए से आज भोर सका सका से पार्टी पहुँचे ए सब को आम रिसीव करी जो स्ट्रांग रूम रही रखा स्ट्रांग रूम सीसीटीवी सर्विलांस रही 24/7 सिक्यूरीटी पर्सनाल होती आउटस्कॉडन जगिक रही फायर रही तेणुक सब जिन जो भाई स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हो रहीपर से प्रकार व्यवस्था कर जो स्ट्रांग रूम सिल कर किसी पॉलिटिकल एजेंट मैंने रही है कि से आम पॉलिटिकल आम जो कैंडिडेट जो मैंने अच्छा आम इंटीमेट करूँ आगु आज से आर्तमान स्क्रुटिन चलती से निजर निजर हूँ जो सिल ये करेंगे तेणुक प्रत्येक कैंडिडेट मानक आम ट्रांसपेरेंट वे जिन देखकर जो भाई इलेक्शन प्रोसेस फेथ एंड कॉन्फिडेंस रही है से प्रकार व्यवस्था कर कौन व्यक्ति विशेष कहीं भी चाहिए आस तक आगे प्रवेश कौन सी किसी टोटाली जो जिनस सेंट्रल सिक्यूरीटी आम जो बॉर्डर सिक्यूरीटी फोर्स रही दे दिखाई से टोटाल गार्डन करके रही है 24/7 रही है तेणु कहीं भी चाहिए भी से भितर को पशिपारे ना देखा निर्वाचन सरी किसी जगह किसी ईवीएम भांगी तो से नहीं इलेक्शन कमिशन को आज अवगत करते तो कौ कौ जगह सारे निर्वाचन किसी आवास मिलू ना 109 सत्यवादी गोटे बूथ और 108 ब्रह्मगिरी गोटे बूथ दुईटार का इनसीडेट होटा कि आमको सीओ को रिपोर्ट करूँ सीओ अफिस जहाँ इनस्ट्रक्शन आसापर ता जो किसी रिजेक्ट ईवीएम सब जो गुड़ाक प्रोब्लेम जो रिजेक्ट जो अनपोल्ड ईवीएम जो सब रही से गुड़ाक हूँ सेपरेट गोटे स्ट्रांग रूम रिजर्व ईवीएम जो गुड़ा से सेपरेट स्ट्रांग रूम रोगुड़ाक स्ट्रांग रूम रही जो कि आम पोलिंग प्रोसेस जो ईवीएम आ सहित रही सेपरेट करके रखा हो तेणुक समस्त ईवीएम जो मान पाखे दि जाइए से सबको नहीं आसा होती सेपरेटली आम स्ट्रांग रूम रोच कल देखा जाए कणास गोटे बूथ में जमी पोलिंग अफिसर जहाँ अभियोग करते कि माड़ होती जहाँ घटना होती से नहीं किसी सर आलोचना कर से ऑलरेडी जो काली इंसिडेंट जो होती ऑलरेडी एफआईआर होती पुलिस इन्वेस्टिगेट करुँच तेणुक बहुत जल्दी जे मैंने आईन को हाथ को नौकर दृढ़ कार्यानुषान।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ସୂଚନା ହେଉଥିଲେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ନିର୍ବାଚନ ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅବଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଯାବତ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କିଭଳି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜଧାନୀର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଚେତନ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ଲୋକସଭା ଏବଂ 42 ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମତଦାନ ହାର ରହିଛି ସବୁଠୁ କମ୍, ଯାହାକି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଁ ଖାଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସମୁଦାୟ 6 ଲୋକସଭା ଓ 42 ବିଧାନସଭାରେ ମତଦାନ ହାର ରହିଥିଲା 71.60%। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମତଦାନ ରହିଥିଲା ସବୁଠୁ ତଳେ। ପୁରା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 69.60% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା 3 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ଏକାମ୍ର, ମଧ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ। 2014 ତୁଳନାରେ ମତଦାନ ହାର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ବି ଏହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେ କରିବା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭୋଟ୍ ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ମାଗରେ ଅଭାବ। 8 ଭଳିଆ ଦେଶରେ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 40% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଇଏରେ 10-15% ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ହାର 70% ଟପୁଥିଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ନା ସଚେତନତା ଅଭାବ? ରାଜଧାନୀର ଏପରି ମତଦାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟର ତାଲିକା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜଧାନୀର ବହୁ ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମତଦାନ ହାର କମିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନ ପାଇକି ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେ ଏଭଳି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ, ଭୁଲ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଗୋସାଘରେ ସର ବୁଥ୍, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଯାଇକି ଅଲଗା ବୁଥ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ଲୋକେ ଖୋଜିବେ ଏଇ ଖରା ଗରମରେ କେତେ ଖୋଜିବେ, ତ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ସଂଶୋଧନର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ତ୍ରୁଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥିଲୁ, ସେ ଲୋକର ନାଁ କଟିଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 3 କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭୋଟର ଦାନର ହାରକୁ କମାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବହୁ ଭୋଟରମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଟାଇମ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତା'ପରେ ହେଲା ତୃତୀୟରେ କାଲି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଲୋକ ଟିକେ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଖରାରେ ଆସି ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମୋତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଧାରଣା ଯାହା ଅଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏଠାକାର ଭୋଟର, ଯାହାକି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରୁ ପୁଣି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବୁଲେଟ୍ ନୁହେଁ ବାଲାଟର ହୋଇଛି ବିଜୟ, ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ନଦେବାକୁ ଡରାଉଥିଲେ ନକ୍ସଲ, ହେଲେ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। କନ୍ଧମାଳରେ 2 ନକ୍ସଲ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଲଗଡ଼ରେ 24 ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ ଏସ୍ଓଜି ଡିଭିଏଫ୍। ବୁଲେଟ୍ ନୁହେଁ ବାଲଟର ହୋଇଛି ବିଜୟ, ଲାଲଗଡ଼ରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସରିଛି ମତଦାନ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ସହ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନର 6 ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ରଣନୀତି। 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 50 ଟିମ୍ ଲେଖାଏଁ ଏସ୍ଓଜିଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନକ୍ସଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆଜ୍ ଆମର
प्रायोरिटी रे थिला सेथिरे ओवरऑल सबू माओवादी अफेक्टेड जिला रे शांतिपूर्ण आकार रे मतदान है छि कंधमाल जिला रे जो दुई घटना है छि ताको छाड़ी देले अन्य जगह से प्रकार किसी अप्रिय घटना है ही नहीं। उड़ीसा रो जो एसओजी और प्रत्येक जिला रे डीवीएफ रो जो जवान माने आछंती से माने बहुत उल्लेखनीय काम करी छंती। तबे केवल कंधमाल रे पुलिस ऊपर भारी पड़ीथिले नक्सल गाड़ी पोड़ाजोड़ा करबा सह लैंडमाइन विस्फोरण करथिले लाल बाहिनी महिला पुलिस कर्मचारी तथा ग्राम रोजगार सेवक संयुक्ता दिगाल को हत्या करथिले। कंधमाल को छाड़ीदे अन्य जिले में हिंसा भिहबारे सक्षम हो पारि नथिले लाल बाहिनी एसओजी सह डीवीएफ केंद्रीय सुरक्षा बल 24 घंटा अलर्ट थे सुरक्षा बंदोबस्त को सफलतार सह परिचालना करथिले जुबा आईपीएस अफिसर प्राय यंग आईपीएस अफिसर्स सेथिरे काम करिसेंति से माने विगतरे भलो ऑपरेशंस मध्ये करिसेंति सेतिपई एरिया डोमिनेशन रे अथवा एसआईडब्ल्यू और लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग सेथिरे मध्ये हमें बहुत प्रकार रो स्टेप्स नहीं थिलु। आगो को शेष पर्याय निर्वाचन सह पाटकुरा निर्वाचन भी अछि उपकूल अंचल रे राजनीतिक हिंसा आशंका थिबारु एथिपई सतर्क होइछि पुलिस। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रश्मिकांत बेहरा सह प्रवीर प्रधान न्यूज 18 ओडिया। सेपटे चतुर्थ पर्याय निर्वाचन पर जोरदार प्रचार चलता एथर जगत सिंहपुर विधानसभा आसन लगी होउछि त्रिमुखी प्रतिद्वंदिता मैदान कांग्रेस चिरंजीव विश्वाल बीजेडी प्रशांत मुदुली और बीजेपी सत्यव्रत महापात्र राहुल गांधी लोकप्रियता कांग्रेस विचारधारा ग्यारंटी कार्ड को आश्रा कर विजय आशा रखिंट चिरंजीव एथसहित 26 तारीख में दलर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद एक रोड शो कार्यक्रम रही एथसहित जगत सिंहपुर जिला बासिंदा शिक्षित तथा सचेतन तेणु कांग्रेस दल सपक्ष में मत रखे और दल निश्चित जितने चिरंजीव सेपरि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आदर्श विकास योजना को बाध्य कर विजय आशा रखिंट प्रशांत जणे युव नेता भाव में समर्थकों ने प्रचार जोरदार करपटे मोदी लोकप्रियता केन्द्रीय योजना को भरोसा कर विजयी हे आशा बांधि सत्यव्रत जगत सिंहपुर विधानसभा आसन में जड़े स्थानीय प्रार्थी भी होता विजय आशा अधिक एथसहित एथर लोके पर मुहां बोली से कहते आसवे रोड शो 26 तारीख दिन जोगदेवे तेणु मु लगातार भाव 5 वर्ष है लोकों सागर अच्छे तेणु लोक मैंने डिसाइड जहाँ करेंगे ठीक डिसीजन नेबे जगत सिंहपुर गोटे शिक्षित अंचल लोक मान डिसीजन ठीक रमर प्रतिद्वंदी किए आम सापर फोकस करूँ आम फोकस करें जितने एवं आमर दृढ़ विश्वास जगत सिंहपुर निर्वाचन मंडली में एथर विजु जनता दल ही जित दुईज प्रार्थी जी अच्छा जगत सिंहपुर ठिया लोकाल कहीं नुहंती नरेन्द्र भाई मोदी जो लोकाभिमुखी कार्यक्रम ये कथ घर घर बुले लोक बुझौ लोकों पर ब्रह्मपुर प्रति दुई वर्ष आयोजित होइथाए माँ सांताणी बुढ़ी ठाकुरानी द्विवार्षिक यात्रा यात्रा को नहीं समग्र सहर उत्सव मुखर थिबा बेले पौराणिक चरित्र रे निजक सजाई बुरंती मानसिक धारी जहाँ को नहीं मनरे स्वर्गपुर भ्रम सृष्टि होइथाए माँ बुढ़ी ठाकुरानी यात्रा चलचंचल ब्रह्मपुर सहर मानसिकधारी माने विभिन्न बेश धरी बुलुछंती सारा सहर रे किए शिव तो आउ किए कंस पुणी किए कृष्ण तो आउ किए राम आबाल वृद्ध वनिता समस्ते पौराणिक चरित्र रे निजकु सजाइछंती कहिबाकु गले स्वर्गर भ्रम सृष्टि करिछि ब्रह्मपुर सहर ब्रह्मपुर नाई मो मथुरार अच्छे मथुरार कंस को बद्ध करियो आइछि मोर मानसिक थिला मानसिक पूर्ण हला पोरे मो मां को दर्शन करा पई कंस रोल रे जाइथिली वर्तमान मो ब्रह्मपुर रे नाई वर्तमान मो अछि मथुरा रे मानसिक पूर्ण पई काहे केउ काल रु एभली बेस ठाकुरानी यात्रा रे चली आसुछि मानसिक धारी को एही वेशभूषा बेस मनोरंजन धर्मी होइथिबारु एहा को उपभोग करती सहरवासी लगे मु खाली महाभारत रो रामायण रो कैरेक्टर जे आमे बुक रे पढ़ी छु सिना मात्र यात्रा साइरे आमको सेडा लाइव देखियो मिलछि
आउ खाली यात्रा साइड रे नाही पूरा टाउन जाय रे जोडे गले से जा देखिया को मिलची केबे बागो नाच केबे बागो आइसक्रीम खाउची गोटे हैप्पीली एटमॉस्फेयर थाउची हेवनली एटमॉस्फेयर थाउची खाली यात्रा साइड रे नाही पूरा टाउन साइड रे हमें देखिया को मिलची से जा जति पौराणिक कैरेक्टर्स अछंती से राम होंतु लक्ष्मण सीता हनुमान एमती के राक्षस भी लोक मैंने भेष पड़ी आसंती तो ये निश्चित भाव माँ को माहौल सहित आशीर्वाद माहौल सहित गोटे पौराणिक माहौल भी ये भरीपुर जाए स्वर्गपुर भाई लगे समस्ते ये दानव अच्छा दैत्य भी अच्छा प्रति दुई वर्ष ब्रह्मपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बुढ़ी ठाकुरानी जात्रा पालित होता तेरे मानसिक पूर्ण होगा पर यात्रा समय भक्त मैंने माँ निकट में निजक समर्पण करी अन्य क्यों यात्रा रे देखा मिल न था आप सर्वप्रथमे जातु ठाकुराणी स्तुति उपर जातु व्याधिमंत सुमरिले कंदर्प कराई दरिद्र सुमरिले विपुल धन दे अपुत्रिक सुमरिले पुत्र दान दे बंदी लोक सुमरिले बंधन फिटाए ये जो मर्मात्मा जो श्लोकटा अच्छे आपणकर जो माँ स्तुति रे से अनुसार आपठी देवता को देखिपारे राक्षस आगक दरिद्र पंचाक्षर पार्टी सामूहिक लंडावेश सांग को सामूहिक बुद्धवेश कर कार्यक्रम रही देखा चाह रही सहरवासी ब्रह्मपुर कैमेरामैन प्रदीप्त परीक्षा शक्तिधर राजगुरु न्यूज 18 ओडिया। समस्त सूची बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार।